Time and temperature continue. Today's topic is exercise 11.2. Today's date is 25th of February 2021. Today's day is Thursday. So let's start. Is find the sum. 4 hours 40 minutes. 6 hours 10 minutes. Okay. Now we have, what we have to do? We have to add this to two different numbers. Okay. 4 hours 40 minutes plus 6 hours 10 minutes. इसमें हमें क्या करना है? Like this. यहाँ पर आर और यहाँ पर मिनट. ओके, आर्स के नीचे 4 hours 40 minutes प्लस 6 hours 10 minutes. अभी जैसे नॉर्मल एडिशन करते हैं वैसे ही कर देना है. 0 + 0 = 0, 4 + 1 = 5, 4 + 6 = 10. Okay, so what is the answer? 10 hours 50 minutes. Now next, hours minute. Okay, third one, 2 hours 25 minutes plus 3 hours 50 minutes. 3 hours 2 hours 25 minutes plus 3 hours 50 minutes. Now कैसे करेंगे addition? Normal जैसे करते हैं वैसे. 5 + 0 = 5, 2 + 5 = 7, 2 + 3 = 5. Now children, see. देखो ये 75 minutes है, right? तो हमें सबको पता है 60 मिनट जैसे ही हो जाते हैं तो वो 1 hour हो जाता है ना. तो इसमें हमें क्या करना है? 75 - 60, दैट इज क्या हुआ? ये इसमें से मैंने 1 hour माइनस कर रही हूँ तो क्या हो जाएगा? 75 - 60 = 15. ओके, तो मैंने 60 माइनस किया, दैट इज 1 hour, है ना. तो वो 1 hour किस में ऐड हो जाएगा? यहाँ पर 5 + 1, और आंसर क्या आएगा? 6 hours 15 minutes. देखो इसमें मैंने क्या किया है, यहाँ जो देखो मिनट्स एडिशन किया उसके बाद 75 हो रहा है, तो ये ग्रेटर देन 60 है, तो मुझे उसमें से 60 माइनस करना पड़ेगा. तो मैंने यहाँ पर 75 - 60 किया, दैट इज 15. 60 मीन्स 1 hour, तो 60 माइनस किया ना, तो वो 1 hour इसमें ऐड कर देंगे आर्स में, तो 5 + 1 कितना हो जाएगा? 6, और ये 15 बचा, तो वो 15 मिनट्स. तो हम ऐसे ऐसे एडिशन कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट, वैसे सेम टू सेम एज फॉर ईयर्स एंड मंथ ऑल्सो. यहाँ पर ईयर है और यहाँ पर मंथ. 3 years 8 months प्लस 2 years 5 months. ओके, हम सबको पता है 12 months इज इक्वल टू 1 year हो जाता है ना, 1 year. तो देखो 8 + 5 कितना होगा? 13. तो यहाँ पर 13. 3 + 2 = 5. देखो अभी हमें क्या चेक करना है? 13 इज ग्रेटर देन 12. 13 इज
ग्रेटर देन 12, तो हमें क्या करना है, 13 माइनस 12, 1 ईयर, माइनस किया 1 ईयर, ओके, तो यहाँ पर 1 मंथ आया। वन मंथ, ये 1 ईयर कहाँ ऐड हो जाएगा, यहाँ पर। सो आंसर इज, अभी हमारे पास टोटल कितने ईयर हैं, 3, 5 + 1, 6 ईयर्स, कितने मंथ, 1 मंथ, ओके। नाउ रेस्ट ऑफ द सम्स यू हैव टू डू एट योर होम विथ योर सेल्फ, ओके। नाउ नेक्स्ट डिफरेंस, डिफरेंस में क्या करना है, योर फर्स्ट क्वेश्चन इज आवर्स एंड यहाँ पर है मिनट, ओके। 8 hours 50 minutes माइनस 6 hours 35 minutes, ओके। चलो 0 - 5 इज नॉट पॉसिबल, वी हैव टू टेक बोरो, 10 यहाँ पर हो जाएगा 4, 10 - 5 is 5 एंड 4 - 3 is 1, 8 - 6 is 2, सो वॉट इज अवर आंसर, 2 hours 15 minutes, ओके। नाउ नेक्स्ट आवर्स है यहाँ पर मिनट, 10 hours 20 minutes माइनस 4 hours 45 minutes। नाउ इन दिस केस व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू चेक दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस वन और नॉट, तो इसमें क्या है, 20 is less than 45, तो हमें इसमें बोरो लेना पड़ेगा, पर बोरो हम कैसे लेंगे, देखो ये आवर्स है और ये मिनट है, ये आवर्स के कॉलम में से मिनट में जाएगा, तो मैं पूरा ऐसे ही कट कर दूंगी, 10 की जगह पे 9, यहाँ से मैंने 1 hour लिया तो वो मिनट में जाके कितना हो जाएगा, 60, है ना, तो ये 60 ऐड हो जाएगा, तो 60 + 20 कितना होगा, 80। अभी मुझे 80 में से 45 माइनस करना है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, चलो 9 80 - 4 45 ऐसा होगा, यस। सो 0 - 5 इज, अभी नॉर्मल जैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं ना, सेम टू सेम वैसे ही करना है, यहाँ पर कट करके 10 7, 10 - 5 is 5, 7 - 4 is 3, 9 - 4 is 5, सो आंसर इज 5 hours 35 minutes, ओके। देखो फिर से ये वाला मैं एक्सप्लेन करती हूँ क्या किया मैंने इसमें, ये हमारा बेसिकल इक्वेशन था, पहले हमने क्या चेक किया, 20 में से 45 माइनस हो सकता है, नो, तो हमें बोरो लेना पड़ेगा, पर इसमें हम जैसे नॉर्मल सब्ट्रैक्शन करते हैं वैसे नहीं करना है, देखो यहाँ पर 20 है वो मिनट के कॉलम में और 10 है वो आवर्स के कॉलम में, और यहाँ से मैं 1 hour बोरो करूँ तो वो मिनट में आके कितना हो जाएगा, 60, क्योंकि 1 hour = 60 minutes, इसलिए मैंने यहाँ 10 से कट करके यहाँ पर 9 लिखा और यहाँ पर प्लस 60 कर दिया, ओके। अभी इन दोनों का एडिशन हो जाएगा, 60 + 20 कितना हो जाएगा, 80, तो मैं दोनों को रफ करके 80 लिख सकती हूँ, 60 + 20 is 80,
बस अभी जैसे मैंने यहाँ पर किया सब्ट्रैक्शन, सेम टू सेम वहाँ पर कर देना है, पर मैंने वो स्टेप आपको शो किया, ठीक है? आप ऐसे भी लिख सकते हैं नॉर्मली रफ करके भी, ओके? नाउ नेक्स्ट, आवर्स एंड मिनट, 7 hours, 5 minutes, माइनस 5 hours, 45 minutes. चलो इसमें क्या करना है, 5 is less than 45, सो हम क्या करेंगे, वी हैव टू टेक बोरो, 7 cut karo 6 लिखो, और वो आवर्स में गया तो यहाँ पर प्लस 60 प्लस 5 इज कितना हो जाएगा 65, तो मैं इसे इरेज करके 65 लिख दूंगी यहाँ पर. अभी हो गया, अभी मैं सबट्रैक्ट कर सकती हूँ. 5 minus 5 is 0, 6 minus 4 is 2, 6 minus 5 is 1, सो आंसर इज 1 hour 20 minute, ओके? सेम इयर्स में भी ऐसा ही होगा, ठीक है? ये इयर्स है, ठीक है? और यहाँ पर मंथ, 11 years माइनस 11 years 3 months माइनस 5 years 8 months. चलो देखो, 3 is less than 8, सो हमें बोरो लेना पड़ेगा. बोरो कैसे लेंगे, 11 को कट करके उसका भी 4 number 10, और यहाँ पर 3 में क्या ऐड करेंगे, कितना ईयर में से अभी मंथ में जा रहे हैं, तो 1 year is equal to how many month, 12, तो यहाँ पर 12 हो जाएगा, प्लस 12, 12 प्लस 3 इज 15, तो यहाँ उप्स डेटा, ईयर मंथ 11 year 3 month माइनस 5 8, यहाँ कट करके 10, यहाँ प्लस 12. देखो 12 प्लस 3 करेंगे, 12 प्लस 3 इज 15, तो यहाँ पर मैं ये रफ करके 15, फिफ्टीन माइनस 8 इज काउंट करके बोलो चलो 7, राइट? तो 7, और यहाँ पर 10 माइनस 5 इज 5, सो आंसर इज 5 year 7 month, ओके? Now solve this word problem. Amina watched a cartoon show for 45 minutes and a music show for 30 minutes. For how long did she watch television? Amina ने क्या देखा, कार्टून 45 मिनट्स देखा और म्यूजिक शो 30 मिनट्स, तो हमें क्या करना है, एडिशन. 45 मिनट्स प्लस 30 मिनट करो, 5 plus 0 is 5, 6 plus 4 plus 3 is 75 मिनट. अभी इसको मुझे आर्स में कन्वर्ट करना है, तो क्या करूँ, माइनस 60 करूँगी मैं, ठीक है? 75 minus 60 is 1 hour 15 minute. वन आर फिफ्टीन मिनट्स कहाँ से आया,
मैंने 75 में से 60 माइनस किया, लाइक 1 आवर माइनस किया, तो कितना बचेगा? 15. सो इसलिए 15 मिनट, 1 आवर 15 मिनट्स. ओके, द नेक्स्ट. मिस्टर रॉय टेंड्स टू हर गार्डन. मिसेस रॉय टेंड्स टू हर गार्डन एवरी डे फॉर 1 आवर 10 मिनट्स. मिसेस पाठक डज द सेम फॉर 55 मिनट्स. हाउ मच मोर टाइम डज मिसेस रॉय स्पेंड इन लुकिंग आफ्टर हर गार्डन. देखो कौन ज़्यादा टाइम दे रहा है गार्डन के लिए. 55 है और यहाँ पर 1 आवर 10 मिनट्स है. ओके, तो हमें क्या चेक करना है? सब्ट्रैक्शन तो करना पड़ेगा. 1 आवर 10 मिनट्स माइनस 55 है ना, 1 आवर 10 मिनट्स माइनस 55 मिनट्स. तो कैसे करेंगे? देखो यहाँ पर 0, 10 में से 55 तो माइनस नहीं हो सकता है, तो बोरो लेना पड़ेगा, है ना. तो यहाँ पर 1 को कट करके 0 और 10 को ऐड करेंगे यहाँ पर 60. क्यों? क्योंकि जो 1 आवर है वो यहाँ पर मिनट में आया, तो 60 हो जाएगा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आवर्स में तो कुछ भी नहीं है, 0 0. मिनट वो क्या है? 70, क्योंकि 10 प्लस 60 70 और 55 माइनस करेंगे. 0 माइनस 5 इज नॉट पॉसिबल. टेक बोरो 10 6 6. 10 माइनस 5 इज 5. 6 माइनस 5 इज 1. सो आंसर इज 15 मिनट. ओके, शीनाज फादर हैज अ ट्रांसफरेबल जॉब. शी स्पेंट 3 years 7 months इन मुंबई, 2 years 9 months इन पुणे. हाउ मच टाइम डिड शी स्पेंड इन दिस टू प्लेसेस इन ऑल. हमें क्या करना है? एडिशन करना है, क्योंकि इन ऑल हमें जानना है कि ये टोटल कितना टाइम उसने स्पेंड किया. तो क्या करेंगे? 3 years 7 months. 3 years और month. 3 years 7 months प्लस 2 year 9 month. 7 plus 9 इज 16. 3 plus 2 इज 5. देखो 16 month 12 से ज़्यादा हो गया, तो हमें उसको एक ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. 16 minus 12 इज 4. ओके, यहाँ पर 1 ईयर ऐड हो जाएगा. 5 plus 1 इज 6 year 4 month. सो दिस इज अवर आंसर. गेट इट? आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल. थैंक यू चिल्ड्रेन.